हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम देख रहे थे कल चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। हमने 4th सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल इसका सही से सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका चित्र यानी फिगर बनाएंगे, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं लेना है, सेवर सिंपल सवाल है। साइन कॉस टेन का सूत्र लगना है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन है आपका पांचवा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। उड़ने दो, पतंग का ही समय है। अरे भाई, घर पर चल पकड़े हुए पतंग ही उड़ाएंगे और क्या करेंगे, बाहर निकलने नहीं दे रहे। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कोई भी भूमि पर एक बिंदु है कि वो थक गए तो उस पर काट दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखें, बहुत ही सिंपल सवाल है। 60 मीटर ऊंचे कोई पतंग उड़ रही है, ये देखिए, ये कोई डोरी थी, यह काइट उड़ रही है, आपकी पतंग बना दूंगी, ऐसी होती है ना, ये बनी, ठीक है, उड़ा देता। ये एंगल 60 अंश का बन रहा है ए वी सी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 ही अंश का कोण है और 60 ही मीटर ऊंची उड़ रही है। तब इस डोरी की लंबाई क्या करनी है। अरे भाई, लंब दिया है, कर्ण निकालना है, सिंपल है। त्रिभुज एबीसी में थीटा 60 अंश, बीसी 60 मीटर और एसी क्वेश्चन मार्क लगाओ साइन 60 लंब, यानी बीसी अपॉन एसी साइन 60 का मान रूट 3/2, बीसी का मान 60, एसी आपको निकालना है। चले क्रॉस कर दो, एसी बराबर 60 दूनी 120 और 13/3, इसका हिस्से हो गया रूट 3 का, गुणा करेंगे ऊपर गुणा कर दिया रूट 3 इंटू रूट 3, तो एसी बराबर 120 रूट 3 और 3 3 चौके 12, एसी बराबर 40 रूट 3 का मान 1.73, तो एसी बराबर 0, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 12, 7 चक 28, 29, 4 दुनिया 4, 5, 3 अंक बाद 10 अंक। इतनी यानी जो डोरी है 59.28 मीटर है। हो सकता है आपका 40 रूट 3 आंसर दिया हो और नहीं तो एक दिया ही होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा देखेंगे। ये जो पतंग उड़ रही है उसकी ऊंचाई है, ये डोरी की ऊंचाई पूछी थी, 60 दिया है तो लंब दिया है, कर्ण निकालना है तो साइन या कोसेक, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है बीसी 60, कर्ण है एसी, इसे पहले है 60 बटे 180 बटे 3, ये रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा 3 चौके। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसे मैंने फिर बता दिया, देखो है ना, अरे आनंद आएगा भाई मेरे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल से क्वेश्चन है। देखें आगे है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 130 मीटर ऊंचे भगवान से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे ही भगवान है, कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। लड़का जो है वो यहाँ खड़ा है, इसकी माप है 1.5 मीटर, ठीक, लंबाई लड़का है, ठीक। अब इसने इसे यहाँ पर, अब आगे क्या लिखा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का अनुपात 30 से 60 अंश हो जाता है। पहले ये एंगल था 30 अंश आंख का, पैर का नहीं आंख का, फिर उसका एंगल हो गया 60 अंश, ठीक है बच्चों। अरे 1.5 मीटर का बढ़िया है, यहीं से तो देखेंगे, तो ये वाली ऊंचाई। अब देखिए टोटल ये ऊंचाई है आपकी 30, इसमें 1.5 घटा तो कितनी रह जाएगी, ये 28.5 ई वाली, ठीक।
ए बी सी डी ई ए। अब पूछा क्या इसने, ये पूछा है बताइए कि वन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने पूछी है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले ये लगा दो, फिर पूरा त्रिभुज लगा देंगे, पूरे में से इसे माइनस कर देंगे। अब देखो त्रिभुज सी एफ ई में लंब बटे आधा टेन साठ लंब, ये 28.5 ई एफ, ठीक है, टेन साठ का मान रूट 3, 28.5 बटे ई एफ, तो ई एफ बराबर 28.5 बटे रूट 3। रूट 3 का मान लगा दीजिए या रूट 3 का यानी परिमेयकरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ई एफ बराबर 28.5 रूट 3 का यहाँ होगा, और रूट 3 मिला के हो गया 28.5 रूट 3 बटे 3, 3 नेम 27, 3 पंजे 15 मीटर। भाई साहब यहाँ से आकर की दूरी कितनी आ गई, 9.5 फुट थी। अब त्रिभुज लेके चलेंगे हम डी ई सी में, टेन तीस पूरा 28.5 बटे डी ई, आप कहेंगे डी ई मिले तभी भाई पूरा त्रिभुज लेके चले गया था, और हम चले भी लेंगे वही नीचे खड़ा हुआ है, टेन तीस का मान ए बटे रूट थी 28.5 डी ई क्रॉस डी ई बराबर 28.5 रूट 3 मीटर। अब क्या करना है हमें, डी एफ का मान निकालना है, इसी डी एफ बराबर क्या होगा डी ई माइनस डी एफ, डी ई 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3 कटाएंगे, रूट 3 5 और 5 क्या 0, और ये आएगा आपका 18.9 19 रूट 3, ठीक है। डी एफ आते जो लड़का था वो मीनार की ओर 19.3 मीटर चला, अतः लड़का मीनार की ओर 19.3 मीटर चला, ओके। अरे भाई 5 में 5 का 0, 28 में से 9 गया 19 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसे मिटा 6 मात्रा ही क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक एंड से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, मीनार की ऊंचाई क्या है। सिंपल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल को शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतने हैं, ठीक है। देखो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा, ये है भवन, यहाँ पर ये लगा, ये भवन था आपका, ठीक है, भवन इसे मान के डेवलप करते हैं, ठीक। एक भवन है उसके ऊपर कोई एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पहले 45 है और फिर ये 60, ठीक है, 20 मीटर ऊंची भवन, 20 मीटर ऊंचाई भवन है और टोटल ये ऊंचाई पूछी है इसे, इसे आप एक्स मान रहे हैं, कुछ छोड़ो ए बी सी। दोबारा देखेंगे क्वेश्चन लिखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोटल एच निकालनी है आपको, ये वाली एच मान लो आप,
देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी लेके चलेंगे, ए बी डी में टेन पैंतालीस बीस, ये बटे ए बी टेन पैंतालीस का मान है बीस बटे ए बी, तो ए बी बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में टेन साठ पूरा 20 प्लस एच बटे ए बी, और टेन साठ का मान होते 20 प्लस एच, ए बी का मान 20, इसे इधर ले आओ 20 रूट तीन 20 प्लस एच, 20 रूट तीन का मान 1.732, 20 प्लस एच 0 4 6 17 19 34 3 2.2, 20 प्लस एच इसे माइनस कर दो 20 को एच, तो एच बराबर क्या आएगा 14.64 मीटर। ठीक है बच्चों, अरे पक्का समझ में आया होगा। देखिए ये कह रहा था कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर संचार बिंदु लगा, ये होगी मीनार, तो इस मीनार की ऊंचाई पूछिए, इस संचार बिंदु के शिखर और आधार के अवनोन उन्नयन कोण के अनुसार 45 और 60 है, शिखर का 45 है, इसका 60 है, तब इसकी ऊंचाई पूछी थी, तो 10 45 20 upon AB यानी AB बराबर 5 मीटर। अब 10 60 20 प्लस एच बटे ए बी, 10 60 का मान रूट तीन, 20 प्लस एच बटे ए बी से क्रॉस 20 रूट तीन 20 प्लस एच, इसे इधर ले आए माइनस हो गया, इसमें से बता लें इतना मीटर। ठीक है, आगे एक और करा दें, अब आठवां क्वेश्चन आप कर लेना, हम दसवां करा दे रहे हैं, नौवां चलिए आगे। एक पेड़ स्टील के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, कोई ई है इसके ऊपर, अभी सवाल के तक उसी तरह का है, यहाँ एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और ये और ये ए बी सी, शिखर ये है आधार है के उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु पर पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ये वाला 45 है और ये टोटल 60 है। ठीक है, तब ये ज्ञात करना है कि पेस्टल की ऊंचाई कितनी है, पेस्टल की ऊंचाई कितनी है, ये वाली एच आपको निकालनी है। तो त्रिभुज ए वी डी में 10 45 एच बटे ए बी, तो एच ए बी, ए बी बराबर किसके हो गया एच मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में 10 60 इसे पूरा जोड़ो 1.6 प्लस एच बटे ए बी, और 10 60 का मान रूट तीन, 1.6 एच ए बी का मान वी एच, इसे ले लिया रूट थ्री एच, 1.6 प्लस एच इसे ले लिया रूट तीन एच माइनस एच, 1.6 एच का मान लो रूट तीन माइनस एक, 1.6 रूट तीन का मान 1.732 माइनस एक, 1.6 इसमें से घटा दीजिए एच बराबर 0732 बराबर 1.6 एच बराबर 1.6 0732 पॉइंट डाउट 3 अंक 0 3 0 एच बराबर, अब हमारा पॉइंट एक अंक पर था तो कितना हो जाएगा 0/732 इसे काट दो 2 8 16 2 3 6 2 6 12 2 6 12 फिर काट दीजिए तो से कट जाएगा 2 1 2 8 16 2 3 6 2 4 8 एच बराबर 400/183 मीटर, पॉइंट में लिखना चाहें तो पूरा हो गया। अतः इस पेस्टल की ऊंचाई 400/183 मीटर है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आज चार क्वेश्चन करा दिए हैं,
अगले क्वेश्चन कल कराऊंगा, कल नहीं तो परसों, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। कल फिर यानी उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, किंतु आप अधिक से अधिक रिवाइज करिए, ठीक है बच्चों? और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो शेयर और लाइक करना तो भूलना नहीं है, और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो आपके फ्रेंड हैं वो भी ये देख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अरे भाई 4 सवाल कराएंगे, एक आएगा, आधा आएगा, अरे चित्र बनाना तो आएगा, आएगा पक्का, आएगा समझ में, ठीक है? माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, ओके।